सामाजिक के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत आने वाला हर विदेशी पर्यटक बिहार की यात्रा क्यों करता था? तो इसमें सभी कारण हैं, क्योंकि बिहार महान धर्मों की जन्मस्थली है, इसका क्योंकि बिहार सांस्कृतिक संपन्न राज्य है, क्योंकि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसलिए विदेशी जितने पर्यटक हुए बिहार की यात्रा जरूर किया। अगला है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्यों में कितने पर्यटन परिपथों की पहचान की है? तो 7। फिर अगला है, कौन सूफी परिपथ के अंतर्गत नहीं है? तो बासो कुंड नहीं है। है कौन कौन? तो मनेर शरीफ है, बिहार शरीफ है और फुलवारी शरीफ है, जो कि सूफी परिपथ के अंतर्गत आता है। अगला है मंदार जो है किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है? तो मंदार जैन परिपथ के अंतर्गत आता है। इसका बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, लौरिया, विक्रमशिला आदि किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है? तो बौद्ध पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है। फिर है महिषी का उग्रतारा मंदिर किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है? तो है शक्ति पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है। इसके बाद सिख परिपथ के अंतर्गत कौन नहीं है? तो मोतिहारी नहीं है। बाकी कौन कौन है? तो लक्ष्मीपुर है, सासाराम है और पटना साहिब है, जो सिख परिपथ के अंतर्गत आता है। अगला है वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, भोजपुर, जमुई, दरभंगा आदि किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत है? तो रामनगर परिपथ के अंतर्गत आता है। कौन कौन? वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, भोजपुर, जमुई, दरभंगा इत्यादि। अगला है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया? तो गुप्त काल में किया गया। फिर है महाबोधि मंदिर को किस संस्था ने विश्व धरोहर स्मारक की सूची में शामिल किया? तो यूनेस्को ने किया। फिर है मगधपुर, बिंबसारपुरी, गिरिब्रज आदि बिहार के किस प्राचीन नगरी के नाम थे? तो राजगृह के नाम थे, या नाम हो जाएगा नाथ है नहीं नाम हो जाएगा। अगला है मगध सम्राट बिंबिसार राजगृह के किस स्थान पर जाकर गौतम बुद्ध का दर्शन किया था? तो लट्ठीवन उद्यान में मगध सम्राट बिंबिसार ने राजगृह के लट्ठीवन उद्यान में गौतम बुद्ध का दर्शन किया था। अगला है बौद्ध धर्म की पहली संगति किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में कराया था 483 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद जापान सरकार द्वारा राजगीर की किस पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था? तो रत्नगिरी पहाड़ी पर। जापान सरकार द्वारा राजगीर की किस पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया है? तो रत्नगिरी पहाड़ी पर। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के किस शासक ने करवाई थी? तो कुमार गुप्त ने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। इसके बाद अगला है यूनेस्को द्वारा कब नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया था? तो जुलाई 1961 में। अगला है प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या था? तो कुसुमपुर भी था, पुष्पपुर भी था, श्रीनगर भी था, यानी उपयुक्त सभी था। पाटलिपुत्र का अन्य नाम था कुसुमपुर, पुष्पपुर और श्रीनगर। फिर अगला है बौद्ध धर्म के तृतीय संगति बिहार के किस नगरी में हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसका गणतंत्र की नींव कहाँ पड़ी थी? तो वैशाली में। इसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस मगध सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो महीपाल। इसे तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल लिखा जाता है, धर्मपाल होगा, महीपाल नहीं होगा, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस मगध सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। अगला है मनेर में बसने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो इमाम ताज फकीर था। इसके बाद बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार शरीफ का प्राचीन नाम उदंतपुर था। फिर है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने करवाई थी? तो गोपाल ने करवाया था। इसके बाद है सासाराम के किस पहाड़ी पर सम्राट अशोक का शिलालेख पाया गया है?
तो चंदन पीर पहाड़ी पर जो सासाराम में है उस पर अशोक का शिलालेख पाया है। अगला है, बिहार के किस स्थान से नवप्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो चिरान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद राजगीर के पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है, तो गृहकुट पर्वत है, जरासंध का अखाड़ा है, इसका मखदुम साहब हुजरा है। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के निकट है, तो भागलपुर के निकट है। फिर है, प्राचीन पाटलिपुत्र के कुम्हरार जहाँ मौर्य सम्राट का राजमहल था कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। फिर है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। इसके बाद किस सम्राट ने राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया था, तो उदयन ने राजगृह से राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र किया था। अगला है, प्राचीन अंग देश की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा नगरी थी। प्राचीन अंग देश की राजधानी चंपा नगरी थी। इसके बाद 12वें जैन तीर्थंकर वसुगुप्त का जन्म बिहार के किस प्राचीन नगरी में हुआ था, तो चंपा नगरी में 12वें जैन तीर्थंकर वसुगुप्त का जन्म हुआ था। इसके बाद है, चार ग्राही यक्षिणी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो दीदारगंज से प्राप्त हुआ था। इसके बाद बराबर की गुफाएँ किस काल की है, तो मौर्यकालीन है। बराबर की गुफाएँ है जो है मौर्यकालीन है। अगला है, गांधी पर्यटन परिपथ के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं है, तो मंदार नहीं है, बाकी कौन कौन, मोतिहारी है, भीतिहरवा है और मुरली भरवा है। अगला है, पटना स्थित गोलघर किस वर्ष बनाया गया था, तो 1786 में बनाया गया था। इसका मंगल तालाब कहाँ स्थित है, तो मंगल तालाब जो है पटना में स्थित है। इसके बाद है, बिहार के किस स्थान से में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, तो बोधगया में आता है। इसका सोनपुर मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो 1850 में सोनपुर मेला पहली बार आयोजित किया गया था। फिर है, धीमन तथा उसका पुत्र बिठपाल जो नालंदा के रहने वाले थे, किस कला शैली के मूर्तिकार थे, तो पाल कला के मूर्तिकार थे। फिर है, अवांगमुखी कमल का संबंध कला किस कला शैली से है, तो मौर्य कला शैली से है। फिर है, ललित मुद्रा में अंकित नटुआ बैल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रामपुरवा से प्राप्त हुआ है नटुआ बैल के अवशेष। फिर अगला है, मंजूषा चित्र शैली किस रूप में लोकप्रिय थी, तो अंग क्षेत्र में मंजूषा शैली जो थी अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। अगला है, पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था, तो बौद्ध कला का प्रभाव रहा था। फिर है, बिहार के किस मंदिर को ऑनलाइन किया गया है, तो महावीर मंदिर पटना को ऑनलाइन किया गया है। इसके बाद, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो वैशाली में है, अशोक का सिंह स्तंभ वैशाली में है। इसका उत्तरावर्ती गुप्त शासक का एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अपसठ से प्राप्त हुआ है। फिर है, थावे का तीर्थस्थल कहाँ स्थित है, तो गोपालगंज में है थावे का तीर्थस्थल। इसके बाद है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी के सप्तवर्णी गुफा में बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति के पश्चात कौन सी रचना तैयार की गई थी, तो उसमें विनय पिटक तथा सूत पिटक लिखाया था, विनय पिटक तथा सूत पिटक, इसलिए ए बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे, तो ब्रजाचार्य था। इसके बाद तिब्बत में लामाबाद के जन्म दिया था को जन्म दिया था किसने तिब्बत में लामाबाद को किसने जन्म दिया था तो दीपंकर श्री ज्ञान ने तथा कुमारिल ने दीपंकर श्री ज्ञान ने कुमारिल ने फिर अगला है, सूफी संत यहिया मनेरी का दरगाह कहाँ है, तो बिहार शरीफ में है। इसके बाद सूफी संत, फिर यही क्वेश्चन है, यहिया मनेरी का दरगाह कहाँ है, तो बिहार शरीफ में है। इसके बाद, शेर शाह ने किस वर्ष अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना कर दिया था, तो 1541 ईस्वी में किया था। इसका बौद्ध काल में मुंगेर किस नाम से जाना जाता था, तो मूंगगिरी के नाम से जाना जाता था। बौद्ध काल में मुंगेर को मूंगगिरी कहा जाता था। इसके बाद, शहीद खुदीराम बोस स्मारक कहाँ स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। फिर है, अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है, तो भागलपुर में है, अजगैबीनाथ मंदिर जो है भागलपुर में है। तो इस तरह से यहाँ 50 के आसपास में क्वेश्चन को देखे हैं जो बिहार से संबंधित था और प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।